आज यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम है। सबसे पहले बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पता चला कि बहुत सारे स्कूलों के बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं और बच्चे ही देश का भविष्य हैं, बच्चे ही समाज का भविष्य हैं। आगे चल के समाज को और देश को आप ही लोगों को संभालना है। अभी जैसे बताया गया कि हम 50वां विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। 1972 में यूएन जनरल असेंबली ने इसकी शुरुआत की थी, तो जब शुरुआत की होगी तो लगा होगा कि दुनिया में प्रदूषण बहुत बढ़ता जा रहा है, प्रदूषण को रोकने की जरूरत है। जब जब हम विकास की बात करते हैं कि डेवलपमेंट होना है, विकास होना है, तो माना जाता है कि विकास के साथ साथ प्रदूषण तो होगा ही होगा। विकास होगा तो पेड़ काटे जाएंगे, विकास होगा तो धूल मिट्टी उड़ेगी, कंस्ट्रक्शन होगा। तो अपने को एक तरफ तो 50 साल हो गए विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हुए, लेकिन अगर देखें तो इन 50 सालों में प्रदूषण कम होने के बजाय प्रदूषण बढ़ा ही है पूरी दुनिया के अंदर। अपने देश में भी अगर देखें तो पूरे देश में कोई भी शहर, कोई भी गांव, कोई भी मोहल्ला उठा के देख लो, हर जगह प्रदूषण बढ़ा है, एक जगह प्रदूषण घटा है पूरे देश के अंदर, और वो है दिल्ली। पिछले 8 साल के अंदर दिल्ली में विकास की गति कम नहीं हुई है, विकास खूब तेजी से बढ़ रहा है। स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, हर चीज हो रही है, लेकिन प्रदूषण बढ़ने की बजाय प्रदूषण कम हुआ है। वो इसलिए क्योंकि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलके हम लोगों ने, इतने सारे बच्चों के साथ मिलके, आप लोग भी सारे इको क्लब से हैं मुझे बताया गया, आप लोग भी अपने अपने स्तर के ऊपर प्रचार प्रसार सब कुछ कर रहे हैं, हम सब लोगों ने मिलके दिल्ली के अंदर विकास की गति कम नहीं होने दी, लेकिन साथ साथ प्रदूषण को कम किया है। अगर मैं केवल ऐसे ही कह दूं तो आपको लगेगा केजरीवाल झूठ बोल रहा है। मैं आपको आंकड़े देता हूं, 2016 के मुकाबले 2022 में, हम PM 2.5 और PM 10 कहते हैं ना, दो तरह का प्रदूषण होता है। PM 10 मोटे पार्टिकल्स होते हैं, PM 2.5 महीन पार्टिकल्स होते हैं जो प्रदूषण के होते हैं हवा के अंदर। दोनों में, PM 2.5 में भी और PM 10 में भी 30% कमी आई है पिछले 7 साल के अंदर। 30% बहुत बड़ा होता है, 30% कमी आई है। 2016 में जो बहुत खराब दिन थे, प्रदूषण होता है ना, जब पूरा आसमान हम देखते हैं, पूरे आसमान में प्रदूषण ही प्रदूषण हो गया, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, 2016 वाले साल में 26 दिन ऐसे थे जब दिल्ली गैस चैम्बर बन गई थी, दिल्ली में सांस लेना मुश्किल था। 2022 में केवल 6 दिन ऐसे थे जब दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खराब था। 2016 में 26 दिन खराब थे, 2022 में 6 दिन खराब थे। थोड़ा सा इंतजार करो, मुझे पूरी उम्मीद है दिल्ली वाले मिलके ये 6 दिन भी खत्म कर देंगे, आने वाले सालों में 1 दिन भी खराब नहीं होगा। फिर कौन, कितने दिन अच्छे थे, बहुत अच्छे, 2016 में 109 दिन ऐसे थे जो बहुत अच्छे थे, प्रदूषण बिल्कुल नहीं था, साफ आसमान साफ। और 2022 में 163 दिन ऐसे थे जो बहुत अच्छे थे। धीरे 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 करके अपने को 352 दिन हर दिन साफ होना चाहिए, ऐसी दिशा के अंदर अपने को लेके जाना है। मैं पढ़ रहा था हमारी दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के लोगों ने क्या क्या किया है।
एक हम लोगों ने नारा दिया था युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, वो केवल नारा नहीं था, इतने काम किए, इतनी लंबी लिस्ट है कि हमने प्रदूषण रोकने के लिए क्या क्या काम किए, इतने सारे काम किए। उसमें से मैं बस थोड़े से दो चार काम गिनाना चाहता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग सुनते हैं ना कि पराली जलाने की वजह से सर्दियों के अंदर प्रदूषण होता है, तो पराली को टैकल करने के लिए दिल्ली सरकार ने पूसा इंस्टीट्यूट के साथ एक घोल का आविष्कार किया और अब दिल्ली के किसान, लगभग सब लोग, दिल्ली के जितने भी किसान हैं, लगभग 5000 एकड़ के ऊपर दिल्ली में खेती होती है, दिल्ली के किसान अब पराली नहीं जलाते, वो घोल का छिड़काव कर देते हैं, पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दिल्ली में पराली से, दिल्ली के किसानों की पराली से धुआं नहीं आता, पंजाब से धुआं आया करता है। पिछले साल पंजाब सरकार ने कई कदम उठाए, पिछले साल 30% धुआं कम हुआ पंजाब की वजह से। इस साल हम लगातार पंजाब सरकार के संपर्क में हैं, इस साल हमें उम्मीद है और भी कम होगा, पूरा खत्म हो जाएगा उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इस बार और भी काफी कम होगा। पंजाब से जो पराली का धुआं आता है उस धुएं को रोकने के लिए पंजाब सरकार अपने स्तर पे कई सारे कदम उठा रही है। फिर दिल्ली में पेड़, मैं तो पूरे देश भर में घूमता हूं, सारे बड़े बड़े शहरों में जाता हूं, बंबई, अहमदाबाद, सूरत, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, सबसे ज्यादा पेड़ आपको, सबसे ज्यादा हरियाली दिल्ली के अंदर दिखाई देती है, इतना हरा भरा शहर है हमारा। पूरे देश में हर शहर के अंदर पेड़ कम होते जा रहे हैं, विकास होता जा रहा है, सड़कें बन रही हैं, बिल्डिंग बन रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ कम हो रहे हैं। दिल्ली अकेला शहर है जहां पेड़ों की संख्या बढ़ती जा रही है। 2013 में दिल्ली की जितनी जमीन है उसका 20% भाग पेड़ों का था, उस पे पेड़ थे, ट्री कवर था। आज 20% से कम होने की बजाय 23% हो गया, 3% बढ़ गया पेड़ों का कवर। उसका कारण क्या है? हम लोग इतना हर साल इतने पेड़ उगाते हैं। इस बार भी दिल्ली सरकार ने टारगेट रखा हुआ 52 लाख पेड़ लगाएंगे इस बार हम लोग, और ये हम अकेले नहीं लगाएंगे, दिल्ली के लोगों के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलकर लगाएंगे 52 लाख पेड़ लगाएंगे। और हम ये भी देखते हैं कई बार सरकारी कार्यक्रमों में, आप देखते हो पेड़ लगाया, कोई ध्यान नहीं दिया, 10 दिन में पेड़ खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। हम ये भी देखते हैं कि सर्वाइवल रेट पेड़ों का कैसे बढ़ाया जाए, दिन ब दिन, साल दर साल सर्वाइवल रेट जो है पेड़ों का, उसको भी बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। दूसरा, एक तरफ विकास हो रहा है, विकास की वजह से मान लो नई सड़क बनती है तो पेड़ तो काटने ही पड़ते हैं, तो पेड़ तो काटते हैं, लेकिन अब हमने ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी बनाई है। अब टेक्नोलॉजी आ गई कि आप अगर कोई बड़ा पेड़ काटोगे तो उसको काटने की जरूरत नहीं है, उसको खराब करने की जरूरत नहीं है, उसको नीचे से जड़ों के साथ पेड़ को निकालते हैं और कहीं और जाके लगा देते हैं, इसको ट्री ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी का दिल्ली के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। हमने अपनी पॉलिसी बदली और हमने कहा कि भाई पेड़ अगर काटोगे तो 2 काम करने पड़ेंगे, एक पेड़ काटने पे आपको 10 नए पेड़ लगाने पड़ेंगे, नए पौधे लगाने पड़ेंगे, ये तो करना ही है। इसके अलावा जो पेड़ काटा उसको गिराना नहीं है, उसको जड़ों के साथ नीचे से उठा के कहीं और ले जाके लगाना है। इसकी वजह से हमारे पेड़ जो है पुराने पुराने, कई पेड़ ऐसे होते हैं 2-2 साल 400-500 साल पुराने पेड़ है, वो तो एक बहुत बड़ी धरोहर है, हमारा एसेट है, उन पेड़ों को हम कैसे खराब होने दे सकते हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, दिल्ली के अंदर जो इंडस्ट्रियल एरियाज थे वहां जो ईंधन इस्तेमाल किया जाता था उसका बहुत पोल्यूशन होता था, हमने सारा पोल्यूटिंग फ्यूल जो है वो खत्म कर दिया, अब पीएनजी इस्तेमाल होता है, पीएनजी से पोल्यूशन नहीं फैलता, तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी एक तरह से हम लोगों ने दिल्ली में खत्म कर दिया। और IIT कानपुर के साथ मिलकर हमने एक नया टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है दिल्ली में,
जैसे अगर मैं कहूं अभी मेरे को लग रहा है मैं सड़क पे जा रहा हूं कि पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, अब मुख्यमंत्री होते हुए मेरे को ये नहीं पता ये पोल्यूशन किस वजह से है, ये मिट्टी का पोल्यूशन है, ये ट्रांसपोर्ट का पोल्यूशन है, ये इंडस्ट्री का पोल्यूशन है, ये पराली का पोल्यूशन है, ये कहां से आ रहा है पोल्यूशन, किस वजह से पोल्यूशन हो रहा है। तो अगर मुख्यमंत्री होने के नाते मेरे को ये पता चल जाए इस वक्त दिल्ली में पोल्यूशन इस वजह से हो रहा है, तो मैं उस एक्टिविटी को बंद कर सकता हूं, उस एक्टिविटी को कम कर सकता हूं। इसको कहते हैं रियल टाइम बेसिस, रियल टाइम सोर्स अपोर्शनमेंट, कि रियल टाइम बेसिस पे हमें पता चले, सरकार को पता चले कि इस टाइम पोल्यूशन किस वजह से हो रहा है। अभी तक ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी कहीं भी। दिल्ली सरकार के कहने से IIT कानपुर ने इस टेक्नोलॉजी का इजाद किया और अब हमें पता चलता है कि इस टाइम पोल्यूशन किस वजह से है। तो हमें पता चला सर्दियों में एक महीना तो पोल्यूशन पराली का होता है, उसके बाद बाकी सर्दियों के अंदर वो जो अपने जगह 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 कहीं कोई ड्राइवर, कहीं सिक्योरिटी गार्ड, कहीं वो आग जला के बैठते हैं ना सर्दियों में अपना तापने के लिए, सबसे ज्यादा पोल्यूशन उस वजह से होता है। ये हमें स्टडी से पता चला। गर्मियों में पोल्यूशन का कारण बिल्कुल अलग है। गर्मियों में पोल्यूशन होता है डस्ट की वजह से, ये जो कूड़े के पहाड़ है इनमें जो आग लग रही है इसका धुआं होता है उस वजह से, ये जो झाड़ियां हैं झाड़ियों में ज्यादा गर्मी होती है अपने आप आग लग जाती है इस वजह से। तो जब हमें पता चल रहा है कि किस वजह से पोल्यूशन हो रहा है, उन चीजों को स्पेसिफिकली टारगेट करके हम पोल्यूशन कम कर पा रहे हैं। इससे बहुत फायदा हुआ है हम लोगों को। इसके अलावा हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट वो होते हैं पूरे दिल्ली के अंदर, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा पोल्यूशन है, ऐसे 13 इलाकों की लिस्ट बनाई गई है, 13, वहां पोल्यूशन, जैसे आनंद विहार उनमें से एक है, वहां पोल्यूशन सबसे ज्यादा है। तो वहां फिर हम लोगों ने ज्यादा फोकस किया और फोकस करके वहां पोल्यूशन करने वाली जो कारण है उनको हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मिट्टी की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, मिट्टी सबसे ज्यादा उसका कारण है। कई जगह हम सड़क पे देखते हैं सड़क टूटी पड़ी है, बगल में सड़क के साइड में मिट्टी है, सुबह सुबह झाड़ू लगती है उससे मिट्टी होती है, ट्रक जाते हैं ट्रक मिट्टी उड़ाते हुए जाते हैं। इसको खत्म करने के लिए अब पूरी दिल्ली में हम लोग बहुत बड़े स्तर के ऊपर सफाई, दिल्ली की सफाई का बहुत बड़ा अभियान शुरू कर रहे हैं। दिल्ली की सारी सड़कों को हम मैकेनिकल स्वीपर से वैक्यूम क्लीनिंग करेंगे ताकि वो डस्ट को सक किया जा सके, डस्ट उड़े ना। और हर हफ्ते दिल्ली की सारी सड़कों की पानी से सफाई हुआ करेगी ताकि वो जो डस्ट है वो उड़ना बंद हो। ये जब हो जाएगा तो एक तरह से यूरोपियन स्तर की जैसे सड़कें होती हैं, मिट्टी बिल्कुल नहीं होती, ऐसी सड़कें अपनी दिल्ली की हो जाएंगी। पटाखों के ऊपर आप सब बच्चों के साथ मिलकर हम लोगों ने बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी जो अब काफी सफल, शुरू में थोड़ा सा विरोध हुआ था लेकिन अब सब पूरी दिल्ली इसमें साथ देती है। और एक हमने ग्रीन ऐप बनाया है जिसमें अगर आपको कहीं भी कोई पोल्यूशन दिखाई दे आप शिकायत करते हो, उसमें 58,000 शिकायतें आई हैं अभी तक, उनमें से 90% से ज्यादा शिकायतों का निवारण कर लिया गया है। पूरे दिल्ली में हम 380 झीलें बना रहे हैं, लेक्स। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर आप जहां भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी, खूबसूरत आसपास लैंडस्केपिंग दिखाई देगी। अभी जितनी झीलें, 26 झीलें बनके तैयार हो गई हैं। इन झीलों में मैं कई झीलों पे होके आया, अब वहां पे इतनी हरियाली है झीलों के चारों तरफ, इतना खूबसूरत वातावरण है, इतनी शुद्ध हवा है, वहां पे दूर दूर से पक्षी आने लगे हैं और आसपास का पूरा, जैसे द्वारका की मैं झील पे गया था, 5 मीटर पानी ऊपर आ गया, वहां पे वाटर टेबल का 5 मीटर पानी ऊपर आ गया है। अब मुझे लगता है वहां पानी की दिक्कत ही नहीं होगी क्योंकि हम ग्राउंड वाटर से पानी इस्तेमाल करके ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो झीलों से एक तरफ वातावरण अच्छा होगा, एक तरफ हवा अच्छी होगी और दूसरी तरफ अपने को पीने को पानी मिलेगा। फिर हवा जो है ये किसी की पपौती नहीं है, हवा को ये नहीं पता कौन दिल्ली है, कौन हरियाणा है, कौन पंजाब है। तो आसपास के राज्यों से भी खूब पोल्यूशन आता है। आसपास के NCR के जितने राज्य हैं उनकी सरकारों से हम लगातार बातचीत करते हैं। आसपास ईंट के भट्टे हैं, आसपास जो पावर प्लांट्स हैं वहां से जो पोल्यूशन दिल्ली में आता है उसको भी हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे हम ये प्रण लें,
कि अपने दिल्ली की हवा को पानी को साफ करने के लिए इसे हम सब लोग, अकेले सरकार से नहीं होगा, सबको इसमें भागीदारी करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। हम सब लोग मिलके इसको एक जन आंदोलन बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो आग्रह किया है, मैं आशा करती हूँ कि ये हम सभी के लिए आदेश रहेगा और हम सभी लोग इस चीज के प्रति कारगर रहेंगे।